हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे चेस खेलना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो किंग होता है, ये जो हमारा किंग होता है, वो हमेशा अपने ओपोजिट कलर पे होता है। जैसे वो वाला वाइट पे अपने ओपोजिट कलर पे, और ये वाला ब्लैक पे अपने ओपोजिट कलर में। और सबसे पहली बात, चलो अब हम खेलना सीखते हैं। हॉर्स एकदम ढाई चाल चलता है, इधर चले आए इधर चले। ये जो सारे होते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, वजीर, किंग, और ये सारे पीछे चल सकते हैं जितना उन्हें चलना, पर ये हॉर्स हमेशा उतना ही चलेगा जितने वो पॉइंट चलेंगे। अगर वो यहाँ हो और उसे पीछे चलना है तो वो ऐसे चलेगा। अगर ये एलिफेंट यहाँ है और ये सैनिक भी खुल चुका है और उसने यहाँ किसी को मार दिया, और अगर इसने यहाँ चला तो अगर अब इसे पीछे चलना है तो अब ये पीछे चल सकता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये नहीं जा सकती पीछे, ये पॉन नहीं जा सकते हैं। और ये एलिफेंट एकदम सीधा चलता है या फिर टेढ़ा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने हॉर्स पे। मैंने आपको बता दिया वो ढाई चलता रहता है और अपने पीछे चलना होगा पीछे चलेगा। कैमल अपना करे वो तो सीधे नहीं चल सकता, अगर उसका ये वाला खुला तो तभी वो ऐसे जा सकता है, और फिर ही वो कोई राज हो या फिर किसी का भी सैनिक मार सकता है, या फिर कोई ये भी मार सकते हैं सारे वह। ओके, तो अब हम आते हैं अपने वजीर पर। वजीर सीधे भी चल सकता है, वो पीछे भी चल सकता है। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग इसे इनको बोल, कोई ने क्वीन बोलता है, कोई ने वजीर बोलता है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। और एक किंग की बात, अगर किंग ने अगर उसका सैनिक खुला है और वो भी ऐसे किसी से भी मर गया, मतलब यहाँ से भी, और फिर ये आगे चल कर मार सकता है और ये पीछे भी चल सकता है, मतलब हमारा किंग भी पीछे चल सकता है और वो ऐसे ही वन पॉइंट चलेगा, बस ये भी वन पॉइंट आगे वन पॉइंट पीछे या फिर इधर इधर। ओके, और सबसे पहले अगर ये कैमल ऐसे हो और ये यहाँ हो और ये ऐसे हो तो वो फिर इसको मार सकते।